हेलो एवरीवन, दिस इज यासिर खान। तो भाई अगर सब सर्वे में करता हूँ एकदम मस्त हो गए। तो भाई जैसे लास्ट व्लॉग में हमने बताया था कुछ सरप्राइज आप लोगों के लिए है ना, मतलब सरप्राइज तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो हम ही हैं उसके लिए। पर आप लोगों ने थंबनेल में तो देखा ही होगा, लेकिन अगर मेरा माइंड कुछ चेंज हो जाए थंबनेल दूसरा लगा दे तो फिर इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और हमारे फाहद भाई जो कि हम लोग सुबह से काम करा रहे हैं, जो टेंट का पर्दा वगैरह था वो सब खुलवाया, और उसके बाद बाकी जो पाइप वाइप वो सब रिक्शे में रखवाया सब यहीं पर पड़ा था। आप लोगों ने अभी देखा ही होगा हम लोगों ने आए, अभी देखो कुर्सी भी हम लोग को ऊपर से उतरवानी है। तो आदिल भाई आगे चलेंगे, हम लोग चलेंगे कुर्सी देखेंगे, फिर उसके बाद और क्या क्या हम लोग को काम करवाना है, क्योंकि शादी के बाद जो भी काम होते हैं वो सारे लड़के ही करते हैं ना। ये देखो फिरोज भाई गाइस। सो अभी हम लोग देखते हैं और क्या क्या काम करवाना है हम लोग को शादी के बाद वाले काम। फहद भाई के हाथों में रिक्शे पे लादते हुए हम लोग सामान, सो अब इसको लादते हैं और ये सारा सामान हम लोगों ने लदवा दिया है इस पर। सो अब फहद भी पूरी मेहनत करते हुए अब चलते हैं और हम लोग उठा के लाते हैं जो बाकी वो सब बचा है टेंट वेंट का। सो चलते हैं। फहद भाई मेहनती इंसान गाइस, ये देखिए आप लोग बहुत बढ़िया, गुड नाइस। तो भाई हम लोगों ने पूरा टेंट का जो भी ये पाइप वाइप था पूरा रखवा दिया, बस ये लास्ट है फहद लेके जा रहा है कहे। सो अब हम लोगों ने ये रखवा दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। थोड़ा सा दूर कपड़े चेंज करते हैं अपने, क्योंकि येल्लो येल्लो हल्दी तो ख़त्म हो गई पूरी। अब चलते हैं, जल्दी आओ भाई, हम यहीं खड़े हैं। सो इसको भी हम लोग गद्दा लेके पहुँचे थे जिस पे लेटे थे सब लोग रात में, और फहद एक लेके आया था, हम दो लेके आए थे। तुम जिम अभी भी जाते हो पर ताकत अभी मेरे अंदर ज्यादा है। तो भाई अब हम लोग को ये चेयर लेके जानी है, जैसे कि फहद भाई अब उठा रहे। ओफ अबे जीने से उतरना, इतनी ना लो, चार ले लो, पांच ले लो, हम तो इतनी लेके जाएंगे तीन दिन से। सो चलते हैं। सेनापति सेनापति खौक कर रहे सेनापति खौक कर रहे कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड सेनापति क्या कर रहा है आज हमारे राज में क्या चल रहा है। मुए। तो भाई साहब अभी हम लोग जा रहे थे चेयर रखवाने के लिए, और हम लोगों ने रिक्शे में तो मतलब रखवा दी जहाँ से चेयर आई थी, अब वहाँ लेके जा रहे हैं। भाई लोग तो अपना आराम से किससे आ रहे हैं, रिक्शे से, अपना रिक्शे से आ रहे हैं, हम लोग को छोटा समझ के पैदल भेज दिया। लेकिन बस ज़्यादा दोनों वो सामने जल्दी से चेयर रखवाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चल लेंगे डायरेक्ट। तो भाई हमारा सारा काम शायद से कम्प्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं चेंज करने। तुम चेंज करोगे? नहीं भाई, हम चेंज करेंगे पर कर चुके हैं। ओह या यू आर यस्टरडे यू आर वेयरिंग वाई येलो एंड टुडे आल्सो एंड यस्टरडे आल्सो आई एम वेयरिंग येलो। तो चलते हैं हम लोग, ये हम सीखे एक घंटे में इंग्लिश सीखें, उससे यूट्यूब पे आती नहीं वीडियो उससे सीख, वो एक घंटे चलते हैं 10 मिनट। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं मोबाइल की शॉप पे मोबाइल लेने के लिए। अब वो कौन सा स्टार्ट ना करना, कौन सा मोबाइल हो सकता है बताओ? पता नहीं होगा, कोई सा फोन। आदिल भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं, ट्रिपलिंग कर नहीं सकते इसलिए फहद हम लोग के साथ जाएगा नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग तो जा रहे हैं शॉप पर डायरेक्ट मोबाइल की। बुलेट में आवाज़ सुनिए आप लोग, इतनी तेज है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, पर अभी देखते हैं आप लोग से बताएंगे नहीं। आप लोग गेस करिए, वीडियो यहीं पर पॉज कर दीजिए और कमेंट में जाइए और बताइए कौन सा वो फोन हो सकता है जो हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं। पता है हमने किसी को अभी तक बताया नहीं, ना अपने दोस्तों को ना किसी को नहीं पता है कि हम मोबाइल लेने के लिए जा रहे हैं। अभी जब स्टोरी लगाएंगे सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि यासिर ने फोन लिया है। सो चलते हैं। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल में, और अभी तो हम लोग फिलहाल पार्किंग के अंदर हैं। सो चलते हैं ऊपर, देखते हैं कहाँ पे है शॉप, फिर वहाँ से लेते हैं आईफोन अपना, कौन सा है वो आप लोग कमेंट में पहले बता दीजिएगा, चीटिंग कोई भी नहीं करेगा। सो गाइस हम लोग की एंट्री हो चुकी है मॉल के अंदर, अब चलते हैं लिफ्ट में, लिफ्ट से डायरेक्ट ऊपर, ऊपर से डायरेक्ट शॉप में, शॉप से डायरेक्ट फोन, फोन से डायरेक्ट घर, ठीक है। भाई साहब हम लोगों ने अभी 14 अपना बुक कर लिया है और पेमेंट बस करने वाले हैं, 14 ले रहे हैं हम लोग गाइस।
भाई साहब हमारा आईफोन 14 जो कि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे लेने के लिए, आज हम लोग ने फाइनली ले लिया और काफ़ी सही लग रहा है। अब आप लोगों को ब्लॉग में बेटर क्वालिटी, बेटर वॉइस सब देखने को मिलेगी, सो काफ़ी सही लग रहा है। ब्लू कलर कब से सोच रखा था इसलिए ब्लू ही लिया है। सो अब हम लोग चलते हैं वापस घर और सबको दिखाते हैं अपना आईफोन, तो चलते हैं। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ अपना नया फ़ोन लेकर, और आप लोग गाइस जैसे ही सपोर्ट करते रहिए, एक दिन इंशाल्लाह अपनी कमाई से सब कुछ लेंगे, अपने शौक खुद से पूरे कर लेंगे। अभी तो फिलहाल पापा से मांगा है, फिर जाके अभी आईफोन 14 हम लोग को मिला है, फिर आगे देखते हैं इंशाल्लाह सब कुछ सही रहा तो खुद से फिर लूँगा ज़रूर। तो अभी चलते हैं हम लोग घर, फिर उसके बाद बाकी बातें आगे करते हैं। तो भाई यहाँ हम लोग घर आ गए अपना फ़ोन लेकर, और हमारे फाहद भाई हमारे साथ। तो भाई जानते हो फैसल वगैरह सब लोग कॉल कर रहे हैं और उन लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि सच में ये मेरा आईफोन है। सो मैंने बोल दिया कि ये फाहद का। अब वो लोग ब्लॉग देखेंगे, फिर उसके बाद फिर कॉल करेंगे कि भाई तुम्हारा है या फिर अभी, मतलब उसको उन लोगों को ब्लॉग देखने के बाद भी भरोसा होता है या नहीं वो तो पता नहीं, कौन जाने। सो अभी तो हम लोग अपना पासवर्ड इसमें लॉग इन कर रहे थे और इंस्टा वगैरह सब इंस्टॉल कर लिए इसमें, फिर देखते हैं कैसा चलता है, मतलब कैमरा वैमरा देखते हैं फिर उसके बाद। और भाई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला हमको भाई, सबसे पहले स्टोरी लगाई है। हाँ भाई, भाई ने सबसे पहले, आप लोग को भी स्टोरी लगानी पड़ेगी गाइस, देखते हैं मेरी पावर कितनी है। जो 100 व्यू 100 200 व्यू आते देखते हैं उसमें कितनी स्टोरी मेरी लगती है। इंस्टाग्राम आईडी है itsyasis0.5, आप लोग जाइए वहाँ फॉलो करिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वही आती है। आप लोग देखिए कल देखने को पाएंगे कि मैंने 14 लिया, पर जो इंस्टा पे मेरी फैमिली है पूरी वो जान गई होगी कि मैंने 14 ले लिया है। सो अब भाई हमारे पड़े हैं, अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, अभी इसमें लॉगिन वगैरह करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। तो भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं टिक्की बताशा लेने के लिए क्योंकि सब लोग पार्टी मांग रहे हैं। हाँ हम नहीं जा रहे पता, लेकिन पैसे तो मेरे, अब पैसे दिखाओ हमने जो दिए हैं, ये देखो पूरा 1000 रुपए। हाँ तो मेरे पैसे 1000 रुपए बचे थे, उसमें से हम पार्टी दे रहे हैं सबको क्योंकि सब लोग पार्टी वगैरह मांग रहे थे। सो हम लोग तो चलते हैं अंदर और भाई लोग अब लेके आएंगे टिक्की बताशा जो भी इन लोगों को खाना होगा। हम तो जा रहे हैं अपना पासवर्ड वासवर्ड सब सेट करने, मोबाइल वोबाइल देखते हैं अपना, 24 घंटा तो मोबाइल ही देखेंगे फिर उसके बाद देखते। सो गाइज आदिल भाई जब सामान मतलब लेने गया था बर्गर पिज्जा वगैरह तो उसे मिला नहीं था, तो फिर उसने ऑनलाइन ऑर्डर करा ये सब, इतना कुछ मेरी तरफ से आया। और बाकी देखिए आईफोन 12, ये आईफोन 14 और मेरा आईफोन 11 जिससे हम लोग वीडियो बना, रुक जाओ एक मिनट। सो गाइज अब देते हैं सबको पार्टी, मतलब कोई हमें कॉन्ग्रेट्स बोला नहीं फिर भी पार्टी दे रहे हैं सबको फ्री में। SY अभी हम लोग फहद के साथ बैठे हैं जैसा कि हमारे फहद भाई, और ये हम लोग से कह रहे थे कि गेम इंस्टॉल करो, कौन सा है नाम बताओ रोब्लॉक्स गेम का नाम था, सॉरी गाइज मैं भूल गया था, पर मैं क्वालिटी थोड़ी सी चेक कर रहा था कि कैसी आईफोन 14 में आ रही है, और मैं बार बार भूला जा रहा हूँ कि ये 14 है या 13, मैं 13 बोल रहा हूँ 14 को। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं रोब्लॉक्स खेलने, पहला गेम जो कि 14 में इंस्टॉल हम लोग करने वाले हैं, सो करते हैं। तो भाई साहब अभी हम लोग बाहर खड़े थे क्योंकि थोड़ा सा टहलने के लिए हम लोग गली में गए थे, देखने गए थे क्योंकि इतने दिनों के बाद लखनऊ आए थे और कब से हम लोग टहले नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा टहलने के लिए गए थे। 12 बजे। सो अब हम लोग जा रहे हैं आराम सोने के लिए। सो आज का करते हैं यहीं पे व्लॉग एंड, होप करता हूँ आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।